अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए रंगीन सेवैयों की रेसिपी, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं, क्विक झटपट, तो बिल्कुल इजी रेसिपी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम लोग घी डालेंगे। घी जो मैं ले रही हूँ, हाफ कप के करीब घी ले रही हूँ, ठीक है। ये देसी घी है, अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और घी का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ ले रही हूँ पिस्ता, बादाम और मूँगफली। ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं काट के घी में डाल दूँगी, उसको थोड़ी देर के लिए सौते करूँगी, ठीक है। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स निकालूँगी, थोड़े से घी में ही रहने दूँगी। यहाँ पे जनाब, यहाँ एक मिनट पकाने के बाद ड्राई फ्रूट्स मैं निकाल लूँगी और थोड़े से ही घी में रहने दूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें सेवियाँ, रंगीन सेवियाँ एक पैकेट। सबसे पहले इसमें इलायची डालेंगे। इलायची मैं 2 से 3 उधर ले रही हूँ। वो डालने के बाद, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सेवियाँ डाल दी है मैंने इसमें, ठीक है। एक पैकेट ही सेवी है मेरे पास। उसके बाद मैं चीनी इस्तेमाल करूँगी। 1 कप के करीब चीनी मैं डाल रही हूँ इसमें। थोड़ा सा फ्राई होगा, ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें पानी ऐड कर देना है, ठीक है। ज़्यादा फ्राई करेंगे तो इससे क्या होगा कि जलने की स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। पानी डालने के बाद जैसे ही गर्म होगा तो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए ढाँक देंगे ताकि पानी भी ड्राई हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, तो जो मैंने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे वो एंड में मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। मिक्स करूँगी और उसके बाद आंच को आपने स्लो कर देना, ज़्यादा आपने आंच नहीं रखनी। और जैसे आंच को स्लो कर देंगे तो इसको ढाँक दीजिए। 4 से 5 मिनट के बाद यहाँ पे सेवियाँ रेडी हो चुकी हैं। देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है, सॉरी घी, वो बाहर निकल आया है, ठीक है। ये जनाब फाइनल लुक और बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सी रंगीन सेवियाँ यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।